संजीव जी गुड मॉर्निंग। बाजार में हलचल मची हुई है, कमजोरी के ट्रेड्स नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन रिलायंस शुरुआती कमजोरी के बाद वापस उठता हुआ भी नजर आ रहा है। आज का ट्रेड सेटअप आपके हिसाब से कैसा है? गुड मॉर्निंग मानसी जी, आपने मुस्कुरा के सारा बाजार की मंदी दूर कर दी और आपकी मुस्कुराहट कायम रहेगी। एक दो दिन के लिए 100-150 पॉइंट घट सकता है, 16-350 वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन पहले 17-200 आएगा, तो तैयारी कर लीजिए लेने की। रिलायंस टेक्नोलॉजी के शेयर, ऑटो के शेयर, जो आपको पसंद है लीजिए। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। आप कहते हो जॉब नंबर वीक आए तो रिसेशन है, जॉब नंबर स्ट्रांग आए तो ग्रोथ है। आप पहले तय कर लीजिए आप किस कैंप में हैं और उसकी वजह से आप पहले ही, तो रिमेंबर देयर इज लॉट ऑफ इनसाइडर ऑन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। हाफ ऑफ द फेड यू नो मेंबर्स आर आइदर ऑफ द ओपिनियन ऑफ 50 और सो योरसेल्फ, यू आर नॉट इन अ क्लियर मूड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। And that is all because of geopolitical risk. All bad news is आपके already prices में है. In India you are seeing. मैं आपको एक simple चीज देता हूँ. आज एक बहुत बड़ी technology manufacturing company है electronics की in Taiwan. उसने सबसे ज़्यादा $9.5 billion की quarterly growth और growth के लिए उसने indicate किया है. So everything related to chips, shortage, IT, phones, cell phones and auto all come from Taiwan. तो आई कैन नॉट बट बी बुलिश क्योंकि आपके पास दो साल की वेटिंग है महिंद्रा की न्यू कार की, 2.5 लाख मारुति की वेटिंग है। अब या तो आप उस कैंप में हो जो बुलिश है और पॉजिटिव है, या आप वेट कर रहे हो कि किसी दिन और कोलैप्स होएगा। आई एम इन द रिवर्स कैंप। आई थिंक ये 1000 पॉइंट के बाद मच नीडेड करेक्शन है और एक करेक्शन आई नहीं और सबने डैगर्स निकाल दिए कि बेयर मार्केट रैलीज ओवर और 14,000, तो कोई ऐसी बात नहीं होने वाली। 16,350 पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, पहले 17,000 आएगा इसके ऊपर। अब मैं आपको शेयर्स बताऊं जो मैंने फ्राइडे को भी कहे थे और जो आज मैं कह रहा हूं। जी बताएं। देखिए मैंने फ्राइडे को आपको गेल कहा था, गेल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग एलएनजी एंड क्रूड प्राइसेस। इट्स अ नो ब्रेनर। 158 का टारगेट, 143 की स्टॉप लॉस। मैंने आपको आरती इंडस्ट्री इसलिए कहा था बिकॉज चाइना इज रीओपनिंग। आरती इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द सब कॉन्टिनेंट इन बेंजीन इन एशिया, सॉरी नाइट्रोक्लोरीन। बेंजीन के बिना इंडस्ट्री चल नहीं सकती और आरती ने जो अपना रिवाइव कर लिया था कर लिया है। 1000 वाला शेयर आपको 720-725 पे मेड अ डबल बॉटम, मुझे 825 का टारगेट दिखता है, लेकिन इसमें वॉलिटिलिटी है। 705-7 का स्टॉप लॉस रखिए अगर आप ट्रेडर हैं, नहीं तो एक्यूमुलेट कीजिए। अगले 8 हफ्ते में यह शेयर का भाव 875 रुपए आपको दिख जाएगा। तो आरती इज माई टॉप ओवरऑल पिक एंड गेल बिचारे। एक और पिक है, मुझे बंधन बैंक इस भाव पे बहुत पसंद है। माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में इट इज डूइंग एक्सलेंट एंड आई थिंक 318-319 इज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय। 313 का स्टॉप लॉस, 335 का टारगेट। ठीक है, तो ये आपके शेयर हुए भसीन साहब। दूसरा मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ना शरद भी हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे जो स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरीज है ना, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के जो स्मॉल कैप मिड कैप के हिट रेशियो जिसको हम टिपिकली कहते हैं, आप मेरे को कुछ छोटे मझोले शेयर्स बता सकते हैं आपके लिस्ट में होते हैं वो? IR भी, इंफ्रा भी था एक बार, मेरे को ध्यान है आपने एक बार कोल्टे पाटिल नाम की कंपनी को बताया था। हाँ डिम्पी जी, थैंक यू, आपने बिल्कुल कहा। IRB अभी भी मेरा टॉप पिक है। इनफैक्ट आप देखिए कि फास्टैग रेवेन्यूज आर एट द हाईएस्ट इस क्वार्टर में हाईएस्ट, उसका EPC बिजनेस, और मैं बता दूं 4 एयरपोर्ट्स के लिए भी वो बिट कर रहे हैं। IRB इज अ नो ब्रेनर। 500 रुपए से कम मत बेचिए, 1 साल जरूर लगेगा आपको। दूसरा मैंने पिक कहा था SW सोलर फ्रॉम द कैंप ऑफ रिलायंस एनर्जी और सोलर एनर्जी, सोलर पैनल में इट्स अ मार्केट लीडर। ये शेयर 322 रुपए पे है, 375 पे तो ओपन ऑफर में 40% रिलायंस ने लिया। इट्स अ स्टील, 700 का भाव मुझे दिखता है। यूनियन बैंक 1.90 रुपए डिविडेंड, इट्स अ ट्रांसफॉर्म्ड बैंक। मैं कह रहा हूँ इस शेयर का भाव 75 रुपए होगा कम से कम। और चौथा पिक है पैसा लो डिजिटल, जो एक डिजिटल ऐप है जिसके सबसे बड़े क्लाइंट जिसमें 20% बाय द वे स्टेट बैंक का शेयर है। स्टेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा गिविंग इट द बिगेस्ट बिजनेस। डेली 5,000 एप्लीकेशन जारी है, 50,000 मिनिमम। तो आप सोच सकते हैं कितनी क्रेडिट ग्रोथ की। आज आप कहते हो ग्रोथ नहीं है, वो कह रहे हैं बैंक्स कह रहे हैं पैसे हमारे, वी आर सरप्लस विद क्रेडिट डिमांड। तो मुझे लगता है पैसा लो इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 730-740 का भाव है, 1 रुपए स्प्लिट हो गया, 1500 का टारगेट है इसका इस ईयर में। ऑल राइट संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टॉक पिक्स देने के लिए। और जी हाँ, ऑटो का डेटा भी अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आया, फाड़ा का डेटा काफ़ी अच्छा आया है और कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस है, बट ठीक है, ऑटो स्टॉक्स आज
ओवरऑल मार्केट में ठीक कर रहे हैं।